हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी जब्त ना करने पुलिस को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पुलिस को हिदायत दी है कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्त ना करें। शराब पीकर पकड़े गए 43 अपराध की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तों पर समाप्त करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस के लक्ष्मण ने यह फैसला दिया है। जस्टिस लक्ष्मण ने अपने फैसले में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी को जब्त करने का अख्तियार पुलिस को नहीं होता। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसी सूरत में उसके साथ मौजूद दूसरे शख्स को गाड़ी हवाले किया जाए अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के साथ कोई मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में पुलिस उसके रिश्तेदार या भाई को तलब करते हुए गाड़ी हवाले कर दें। हैदराबाद में आग लगने के दौरान 2 धमाके 2 हलाक। हैदराबाद के छतरी नाका कंदिकल गेट में कल रात आग लगने के दौरान मुश्तबा धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त बंगाल के विष्णु और जगन्नाथ के तौर पर हुई है। मुकामी लोगों की इत्तला पर हुक्काम मौके पर पहुंचे। क्लूज टीम धमाके के मुमकिन वजूहात की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले POP मुजस्मे बनाने का काम करते थे। जराए के मुताबिक पटाखा जलाने के दौरान यह हादसा पेश आया, जबकि एक और जराए का कहना है कि पटाखों को केमिकल के साथ जलाया गया जिसकी वजह से धमाका हुआ। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैदराबाद के इलाके किशनबाग में रहने वाला 11 साल का लड़का जिसका नाम सैयद यूरोफ उर्फ पाशू है वो कुछ दिनों से लापता है। जिस किसी को ये लड़का नजर आए वो मिरचौक पुलिस स्टेशन के इस नंबर पर इत्तला दे 0402785-4797 पर, या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 8712212461। ये लड़का ब्लू कलर का जींस और रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है। इत्तला देने वालों को 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। हैदराबाद में पटाखे जलाने के दौरान हादसात 27 अफराद जल गए। शहर में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान हुए हादसात में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। कई मुतासरीन इलाज के लिए भैदीपट्टनम के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू हुए। डॉक्टरों ने बताया कि अब तक 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें से 22 मामूली जख्मियों का इलाज करके घर भेज दिया गया। मालूम हुआ है कि शदीद जख्मी होने वाले 5 अफराद को हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। इनमें से 3 बच्चों की सर्जरी हुई और वो फिलहाल डॉक्टरों के जेरे निगरानी है। डॉक्टरों ने पटाखे जलाते वक्त आवाम को मुनासिब एहतियात बरतने का मशवरा दिया। निजामाबाद जिले में सुबह 8 बजे तक आसमान पर कोहरा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है और दर्जे हरारत में भी काफ़ी कमी हुई है। रात और सुबह के वक्त दर्जे हरारत में कमी हो रही है। जुमा के रोज़ सुबह 8 बजे तक निजामाबाद जिले के कई मुकामात पर कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा। कोहरे की वजह से गाड़ी रानों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे के बाद भी गाड़ियों को लाइट डालकर चलाना पड़ा। पेट्रोल डीजल पर वैट की कमी में तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर तजस्सुस। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक ईंधन की कीमतों पर वैट में कमी का कोई फैसला नहीं किया है। मरकज ने रियासतों से टैक्स कम करने की अपील की है, ताहम अभी तक तेलंगाना हुकूमत ने कोई वाजह मौकफ का इजहार नहीं किया है। तेलंगाना हुकूमत क्या फैसला लेगी इस पर तजस्सुस बरकरार है। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्या फैसला किया जाता है और आवाम को कितनी राहत पहुँचाई जाती है। ट्रायल रूम में लड़की बदल रही थी कपड़े, नौजवानों ने की वीडियोग्राफी। हैदराबाद में हुआ शर्मनाक वाकया। शहर के एक शोरूम में लड़की जब ट्रायल रूम में कपड़े तब्दील कर रही थी 2 नौजवानों ने वीडियोग्राफी की। यह वाकया जुबली हिल्स के एक शोरूम में आज पेश आया। लड़की ने इन दोनों नौजवानों को देख लिया और शोर मचाया जिस पर इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर वीडियो डिलीट करवा दिया और इनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। इस मामले में 2 नौजवानों के अलावा स्टोर मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौकफ नहीं रखते, रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में वाजह किया कि चीफ मिनिस्टर या हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से किए जाने वाले वादे कानूनी मौकफ नहीं रखते। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 कर देने के फैसले पर अमल आवरी 30 मार्च 2021 के बजाय 31 दिसंबर 2020 करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि TRS पार्टी ने 2018 में मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का वादा किया था और इस वादे पर जारी साल 30 मार्च से अमलावरी हो रही है जिसे कई मुलाजिमीन को नुकसान हुआ है जो मार्च से पहले रिटायर हुए हैं। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में दिवाली के मौके पर पाबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े गए जिसकी वजह से हर तरफ धुआं नजर आ रहा था और हवा का मियार इंतहाई नाकिस हो गया। खेतों में आग लगाने की वजह से दारुल हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। शहर के कई हिस्सों और मुजाफात में लोगों ने आंखों से पानी निकलने और हलक में सोजिश की शिकायत की। लाजपत नगर बुरारी पश्चिम विहार शाहरा में शाम 7 बजे तक ही बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े गए थे। हालांकि कौमी दारुल हुकूमत में 21 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पाबंदी आयद है।
दिल्ली हुकूमत आलूदगी की सतह को कम करने के लिए पानी छिड़क रही है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि आलूदगी को कम करने के लिए जुमे से दिल्ली की सड़कों पर बड़ी एंटी स्मोक गनों से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। मिस्टर राय ने जुमे को ITO के करीब नसब एंटी स्मोक गन का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर आलूदगी के खिलाफ मुहिम के अक्टूबर के महीने में बहुत मुस्बित नतायज सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 5 सालों में सबसे कम आलूदगी अक्टूबर के महीने में थी, लेकिन दिल्ली में आलूदगी की सतह गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बढ़ रही है। बीजेपी वालों ने जानबूझकर पटाखे चलवाए ताकि दिल्ली हुकूमत को बदनाम किया जा सके, गोपाल राय ने कहा। दिवाली के बाद दिल्ली NCR में आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफे के मामले पर बात करते हुए दिल्ली हुकूमत के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने अजीबोगरीब बयान दिया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल राय ने कहा कि दिवाली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर पटाखे चलवाए ताकि दिल्ली हुकूमत को बदनाम किया जा सके। कर्नाटका में डीजल 19.47 रुपये और पेट्रोल 13.30 रुपये सस्ता। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद बीजेपी ज़ेर-ए-इख़्तदार रियासतों ने VAT घटा दिया। बीजेपी ज़ेर-ए-इख़्तदार रियासतों ने डीजल और पेट्रोल पर VAT में कमी की है, जिसके बाद पेट्रोल इन रियासतों में और सस्ता हो गया। एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की थी। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए रियासतों से ख्वाहिश की थी कि वो VAT कम करें, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश और बिहार की हुकूमतों ने फ्यूल पर VAT में कमी का ऐलान किया है। इंडियन ऑयल 3 साल के अंदर पूरे मुल्क में 10,000 चार्जिंग स्टेशन कायम करेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन SM विद्या ने कहा कि मुजव्वजा 10,000 EV चार्जिंग स्टेशनों में से 2,012 महीने की मुद्दत में और बाकी के 8,000 2 सालों में नसब किए जाएंगे। इंडियन ऑयल ने आला तरजीही शहरों की फहरिस्त तैयार की है, जहां इब्तदाई तौर पर EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 9 आला तरजीही शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे शामिल हैं। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी, बांडापुरी ग्रेज रोड बंद। वादी कश्मीर के पास बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मतला आबर आलूद रहने से शबाना दर्जे हरारत में खदरे बेहतरी वाकई हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्को हैं। उन्होंने बताया कि वादी में 5 नवंबर की शाम तक मौसम खराब रह सकता है, तहम इसके बाद 11 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मौसूल इत्तला के मुताबिक गुलमर्ग, कंपवारा, मुझल वगैरह जैसे इलाकों में जुमे के रोज़ ताज़ा बर्फबारी हुई। दिवाली की पूजा में बुरखापोश खवातीन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिवाली के मौके पर मुनक्किदा खसूसी पूजा के दौरान चंद बुरखापोश खवातीन को राम की पूजा करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि चंद बुरखापोश खवातीन अपने हाथों में फूलों की थाली लिए पुजारी के साथ आरती पेश कर रही हैं। इस पूजा में 10 से 15 खवातीन देखे गए। इस वीडियो की हकीकत क्या है, इसका इल्म नहीं हो सका। आर्यन खान NCB के सामने पेश। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें ड्रग्स के मामले में जमानत पर रिहा किया गया था, आज NCB के सामने पेश हुए। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कई शरायत आयद किए थे। हर जुमे को NCB के सामने पेश होने की शर्त भी लगाई थी। इसके एक हिस्से के तौर पर आर्यन खान ने आज NCB के हुक्काम के सामने पेश हुए। आर्यन खान, जो क्रूज शिप ड्रग्स केस में तकरीबन 27 दिनों तक जेल में बंद थे, इनको 28 अक्टूबर को बम्बई हाईकोर्ट ने 14 शरायत के साथ जमानत दी थी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर 40 गाड़ियां टकराई, 5 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर जुमे की आला सुबह कोहरे की वजह से बस और कार के टकराने से 5 अफराद की मौत हो गई। इसके बाद पीछे से आने वाली 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सरकारी जराये ने बताया कि एक बस एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ चली गई और आने वाली कार से टकरा गई, जिससे कम अज़ कम 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक घंटों तक जाम रही और शदीद कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में हलाक होने वालों में कार में सवार 4 अफराद और एक बस ड्राइवर शामिल हैं और 2 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ये कार गाजियाबाद से आ रही थी और बस नोएडा की तरफ जा रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नाकाफी, कुमारी शैलजा ने कहा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर कुमारी शैलजा ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतरतीब 5 रुपये और 10 रुपये फी लीटर की तखफीफ को नाकाफी करार दिया है। यहां जारी होने वाले एक बयान में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ईंधन की कीमतों में जितनी कमी करके तालियां वाह वाह ही लूटना चाहती है, उतना इजाफा तो सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही किया गया था। उन्होंने मुतालबा किया कि आवाम को महंगाई की मार से नजात दिलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद तखफीफ के साथ LPG की कीमतों में भी कमी की जाए। समीर वांखड़े को क्रूज ड्रग्स केस से हटा दिया गया। आर्यन खान को जेल ले जाने वाले NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े को क्रूज ड्रग्स केस से हटा दिया गया है। अब आर्यन खान समेत मंशा से मुतालिक 6 मामलों की जांच SIT को सौंपी गई है, जिसकी सरबराही सीनियर पुलिस अफसर संजय सिंह करेंगे। जराये के मुताबिक रिकवरी के इल्जाम के बाद इन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। NCB के आला अफसरान भी मामले की जाँच कर रहे हैं। NCB के गवाह KP गोसावी के मुहाफिज प्रभाकर सल ने समीर वांखड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। आर्यन खान की रिहाई के बदले शाहरुख खान को ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ।
मीडिया में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के मैनेजर पूजा दलानी ने आर्यन खान को बचाने के लिए 50 लाख रुपए अदा किए। मंशियात केस में गिरफ्तार शुदा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत के बाद भी ये केस खबरों में रोजे अव्वल की तरह ताजा है और आर्यन भले ही अपने घर लौट आए हैं लेकिन इस केस में हर रोज चौंकाने वाले इंकशाफात हो रहे हैं। कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मुतासरीन, फाल मामलात में मामूली इजाफा। जुमे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करता इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,729 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,43,33,754 हो गई है। इस दौरान 12,165 मरीज सेहतयाब हुए हैं जिसके साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद 3,37,37,959 हो गई है। एक्टिव केसेस 221 बढ़कर 1,48,922 हो गई है। इसी अरसे में 221 मरीजों की मौत के बाद अमवात का इदाद व शुमार बढ़कर 4,59,873 हो गया है। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ दिवाली मनाई। बॉलीवुड के मशहूर लव बर्ड अदाकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो अपने रिश्ते को लेकर अक्सर बहस में रहते हैं, उन्होंने दिवाली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज की है। इस तस्वीर में दोनों रोमानी अंदाज में नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर बंदाओं के साथ शेयर की है। कांग्रेस ने त्रिपुरा में खसदन तशद्दुद भड़काने का लगाया इल्जाम, रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का क्या मुतालिबा। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हिंदुत्व ताकतों के जरिए हमला किए जाने के वाकयात पर लोगों का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। अब कांग्रेस ने त्रिपुरा में बीजेपी के एक मुआविन तंजीम विश्व हिंदू परिषद पर खसदन फिरकावाराना नफरत भड़काने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालिबा भी किया है। दरअसल कौमी हुकूक इंसानी कमीशन के जरिए त्रिपुरा के शुमाली जिले में हुए हालिया तशद्दुद के मुतालिक रिपोर्ट मांगने के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में बीएचपी पर इल्जाम आयद किए हैं। फिलहाल NHRC ने त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस महकमे के DGP और रियासती हुकूक इंसानी कमीशन के सेक्रेटरी से तृणमूल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान साकेत गोखले की शिकायत पर अपनी बात रखने को कहा है। जहरीली शराब पीने से 25 अफराद हलाक, नीतीश के वजीर की सफाई, हमने 700 मुलाजिमीन की बर्खास्त। बिहार के मगरबी चंपारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हुकूमत की सतह पर महलुकीन की तादाद 21 ही बताई जा रही है। अभी जहरीली शराब सानेह को लेकर वजीर इम्तनाई सुनील कुमार ने सफाई दी है। रियासती वजीर ने इतराफ़ किया है कि इन दोनों अजला में शराब से मौत मुमकिन है। उन्होंने गोपालगंज में 11 और बीतिया में 10 अफराद की मौत की तस्दीक की है। वजीर ने कहा कि फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का मुकाबला। दिवाली से पहले मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बितरती 5 रुपये और 10 रुपये फी लीटर की कमी की है। दोनों ईंधन पर मरकज की तरफ से की गई इस कमी के बाद अब रियासतों में भी वैट को कम करने का मुकाबला है। एक के बाद एक तमाम रियासतें पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर रही हैं। मुल्क में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल फिलहाल पोर्ट ब्लेयर में दस्तियाब है। यह जगह मुल्क के जजीरे अंडमान पर है। यहाँ डीजल की कीमत 80 रुपये 96 पैसे फी लीटर है जबकि पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 10 पैसे फी लीटर है। बंगाल में दर्जे हरारत में मजीद कमी, सर्दी में इजाफा। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मगरबी बंगाल में दर्जे हरारत में कमी का अमल शुरू हो गया है। अलीपुर में वाकई महकमे मौसमियात के इलाकाई हेडक्वार्टर की जानिब से बताया गया है कि दारुल हुकूमत कोलकाता में जुमा को कम से कम दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। यह मामूल से 2 डिग्री कम है। महकमे मौसमियात ने जुमे को कहा कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस है। सफाई के बाद गंगा नदी में हरिद्वार से पानी छोड़ा गया। सालाना सफाई के बाद जुमेरात की आधी रात के बाद हरिद्वार से बालाई गंगा नदी में पानी छोड़ा गया। 2 दिन के अंदर मेरठ में लोगों को पीने के पानी के लिए गंगा नहर का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ऊपर गंगा नहर और इससे निकलने वाली नदियों की सफाई के लिए हर साल गंगा को तकरीबन 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बार गंगा नदी 15 अक्टूबर की आधी रात से बंद थी। गंगा नहर के बंद होने से मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में पीने का पानी बंद था। दिल्ली NCR में मुकामी जराए से लोगों को पीने का पानी फराहम किया जा रहा था। मेरठ शहर में ट्यूब वेल और टैंकरों के जरिए पीने का पानी भेजा रहा था। 4 नवंबर की आधी रात तक गंगा में हरिद्वार से पानी जारी किया गया। हरिद्वार से मेरठ के भोला झाल तक पानी को गंगा नदी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। इसके बाद मेरठ शहर को गंगा के पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कल फौजियों के साथ और आज फौजियों की सरजमीन पर, वजीर आजम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि मैं दिवाली के मौके पर कल सरहद पर अपने फौजियों के साथ था और आज मैं उन फौजियों की सरजमीन पर हूँ। आज केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और मुजस्मे की नकाबकुशाई और बुनियादी ढांचे के मनसूबे का अफ्तताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मैंने त्यौहारों की खुशियाँ मुल्क के बहादुर फौजियों के साथ बांटी हैं। 130 करोड़ शहरियों का प्यार और आशीर्वाद लेकर फौज के जवानों के बीच गया था और उन्हीं की सरजमीन पर आज आया हूँ।
कुदरती आफात से नुकसान नहीं होगा। आदित्य शंकर आचार्य के 15 फीट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे की सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां पूजा की। उन्होंने मंदिर के पीछे समाधि के मुकाम पर आदित्य शंकर आचार्य की एक अजीम शान मुजस्मे की नकाब कुशाई की। केदारनाथ में साल 2013 की कुदरती आफात के दौरान आदि गुरु शंकर आचार्य की मूर्ति सैलाब में बह गई थी। वजीर आजम ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकर आचार्य की 15 फीट ऊंचे सियाह पत्थर के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। मैसूर के एक मशहूर मुजस्मे साज योगी राज शिल्पी के जरिए तैयार करता इस मुजस्मे का वजन 35 टन है। भारत में दो बरस के दौरान सहाफियों पर 256 हमले रिपोर्ट में कहा गया। अमेरिका की गैर सरकारी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में गुज़िश्ता दो बरस के दौरान सहाफियों पर तशद्दुद के 256 वाक़यात रोनुमा हुए। हालिया बरसों में सहाफी भी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात का मुसलसल नशाना बनते रहे हैं। अवामी मसाइल और मामलात पर तहकीकात करने वाली न्यूयॉर्क की गैर सरकारी तंजीम पुलिस प्रोजेक्ट ने भारत में सहाफियों पर होने वाले हमलों पर तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सहाफियों को झूठे केसेस में गिरफ्तारी से लेकर कत्ल तक कई तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से में सहाफत एक खतरनाक पेशा बन चुका है। पुलिस प्रोजेक्ट ने अपनी तहकीकात में मई 2019 से लेकर रवा बरस अगस्त तक के वाकयात का इहाता किया है। ऑनलाइन तालीम में डिजिटल आला तक पहुंच सबसे बड़ी रुकावट। मुल्क के 68% टीचर्स की डिजिटल आला तक पहुंच मुश्किल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 68% टीचर्स ने कहा है कि नाकिस डिजिटल रिसाई ऑनलाइन तालीम में सबसे बड़ी रुकावट है। उन टीचर्स को या तो इंटरनेट दस्तियाब नहीं है या फिर वो डिजिटल डिवाइसेस में लर्निंग के तरीक़ेकार से नावाकिफ है, जबकि 56% ने रिपोर्ट किया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान डिजिटल लर्निंग को कामयाब बनाने की सलाहियतों की कमी है, जिसकी वजह से सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि 70% टीचर्स ने कहा कि सबसे ज़्यादा पसमानदा तलबा डिजिटल आला तक महदूद या उसके ना होने की वजह से सीखने से महरूम हो गए हैं, जबकि 44% जवाब दहिंदगान ने महसूस किया है कि कोरोना वबा के दौरान पसमानदा तलबा की फलाह और बहबूद शदीद तौर पर मुतासिर हुई, उनका समझने का अमल रुक सा गया है। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा, दुनिया भर में 3% जबकि यूरोप में 6%, आलमी इदारे सेहत ने दिया बयान। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए सेहत ने मुतनब्बह किया है कि गुज़िश्ते हफ्ते दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद फिर से बढ़ी है। सबसे ज़्यादा केसेस यूरोप में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जहां लगातार 5 हफ्तों से कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतअद्दी अमराज से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट में इदारे सेहत की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ते हफ्ते दुनिया भर में नए कोरोना केसेस में 3% इजाफा देखने में आया है। यूरोप में केसेस में सबसे ज़्यादा 6% इजाफा देखा गया, जबकि शुमाली और जुनूबी अमेरिका के खितों में भी केसेस की तादाद बढ़ी है। दूसरी जानिब मशरकी बाहर रोम के इलाके अफ्रीका और जुनूब मशरक एशिया में केसेस की तादाद बिततीब 12% और 9% घटी है। लड़के भी स्कर्ट पहनकर आएं, स्कूल इंतजामिया का हुक्म। स्पेन में एक स्कूल की इंतजामिया ने लड़कों से कहा कि वो भी लड़कियों की तरह स्कर्ट पहनकर क्लासेस में आएं। स्कूल इंतजामिया ने ऐसी हिदायत इस पैगाम को आम करने के लिए दी है कि कपड़ों की कोई सफ नहीं होती। दरअसल कुछ वक्त पहले एक तालिबे इल्म को क्लास में स्कर्ट पहनकर आने की पादाश में स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद क्लैथ्यू नो जेंडर यानी कपड़ों की कोई सफ नहीं होती तहरीक चलाई जाने लगी। यूरोप में नई कोविड की लहर, फरवरी तक 5 लाख अमवात हो सकती हैं, WHO ने कहा। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने यूरोप में फरवरी तक मजीद 5 लाख हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने बर्रे आजम यूरोप में कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र खबरदार किया है कि यूरोप एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा का मरकज बन रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोप में आलमी इदारे सेहत के सरबरा हॉन्स क्लुग ने कहा कि बर्रे आजम में फरवरी तक 5 लाख मजीद अमवात हो सकती हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नाकाफी तादाद में वैक्सीन लगवाए जाने पर आयद की है। उनका कहना था कि हमें अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा बजाय इसके कि हम कोरोना के बढ़ने पर इकदाम करें। हमें इब्तदा में ही ऐसी सूरत पैदा होने से रोकना होगा। हालिया महीनों में यूरोप भर में वैक्सीन लगाने की शरह में कमी देखी गई है, अगरचे स्पेन में 80% तक लोगों को दोबारा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसराइली फौज ने फलस्तीन में मस्जिद शहीद कर दी, कुरान पाक की बेहरमती। खाबिस इसराइली फौज ने फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबुलस में दुमा के मुकाम पर एक मस्जिद पर हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर दिया। मस्जिद को शहीद किए जाने के इस इश्तियाल अंगेज इकदाम के नतीजे में कुरान पाक ने नुस्खे और दीगर इस्लामी किताबें मलबे तले दब गईं, जिन्हें मुकामी शहरियों ने मलबे से निकाला। मस्जिदुल हराम में नमाज उमरे की अदायगी के लिए परमिट लाजमी, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना। इदारे अमन अम्मा ने याद दहानी कराई है कि परमिट के बगैर उमरा अदा करने की कोशिश करने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। आजिल न्यूज़ ने इदारे अमन अम्मा के हवाले से कहा है कि मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए भी परमिट का हुसूल लाजमी है। परमिट के बगैर मस्जिदुल हराम जाना खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी, जिस पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है।
इंडोनेशिया में सैलाब से 6 अफराद हलाक, 3 लापता। इंडोनेशिया के मशरकी जावा सूबे के शहर बाटू में जुमेरात को अचानक आए सैलाब में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गया और घरों में कीचड़ और मलबा भर गया। इंडोनेशिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में बताया कि रेस्क्यू टीमों ने तबाही के बाद कम से कम 140 मुकामी लोगों को बचा लिया और 6 अफराद की लाशें निकाली। एजेंसी ने बताया कि 3 अफराद लापता हैं जिनके लिए इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंडोनेशिया में इस साल सितंबर में बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है और अगले साल जनवरी और फरवरी के दरमियान बारिशें उरूज पर होंगी। मुल्क में शदीद बारिशों के दौरान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। पाकिस्तान में 160 रुपए किलो तक बिक रही है चीनी। पाकिस्तान में चीनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसके सबब मीठी अशिया की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। आज पाकिस्तान में चीनी कहीं 140 रुपए, कहीं 150 रुपए तो कहीं 160 रुपए किलो बिक रही है। इल्जाम है कि इमरान खान की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर चीनी मिल मालिकान को फायदा पहुंचाने के लिए चीनी महंगी की है। कहा जा रहा है कि महंगी चीनी बेचकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल्स मालिकान को 265 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचाया जा चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।